इससे पहले एक साइन अपनी मुखिया ये खास करके किशनगंज जिला का, किशनगंज जिला में कुछ बुजुर्ग लोग गुजरे हैं जिनका ख्वाब था कि इस पिछड़ा जिला को तालीम याफ्ता जिला कैसे बनाया जाए, सुखी संपन्न जिला कैसे बनाया जाए, और खास करके यहाँ की जो आबादी है ये मुस्लिम आबादी है। लगभग 80% आबादी यहाँ मुसलमान बसते हैं, लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई तालीमी मेयार है बहुत नीचे था, और खास करके एक तबका जो ये शेरसावादी कहलाते हैं, और तबका भी मुस्लिम है यहाँ, लेकिन कुछ हद तक अच्छे थे, लेकिन ये शेरसावादी तबका इतना कमजोर था जो इसको बिल्कुल इसके पीछे कोई मेहनत नहीं हो रही थी। तो हमारे मरहूम जिन जो इस इलाके में 54 साल जिंदगी में मेरे ख्याल से किशनगंज में ये सोच रहे थे कि तालीमी मेयार आगे बढ़े, वो हमारे मरहूम अब्दुल मतीन सल्फी साहब, जिनकी सोच थी कि इस इलाके में वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखी हो, ईसाई हो, जो भी हो, तालीमी मेयार आगे बढ़े, उसकी मेहनत से कुछ मदरसे पहले भी खुले थे लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो रही थी, इसके कारण वो बहुत सब मेहनत करते करते अल्लाह को प्यारा हो गए और वो दुनिया से चल बसे बहुत कम उम्र में, 54 साल जिंदगी में। उसकी सोच बहुत थी, बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन वो बहुत पूरा नहीं कर पाए थे। उसको पूरा करने के लिए इस वक्त उसके बड़े भाई अब्दुल रशीद मजहरी साहब काम कर रहे हैं, और उनके छोटे भाई जो मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से, मैं समझता हूँ बिहार बंगाल के अंदर इस वक्त इनका जो सोच है, इनका जो इदारा चल रहा है, ये जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो मतीन सल्फी साहब की जो सोच थी ये उनको पूरा कर रहे हैं। उनके साथ हमारे उनके बड़े भाई अब्दुल रशीद साहब भी हैं, हमारे मुजम्मिल हक साहब, मुजम्मिल हक मदर प्रिंसिपल मुजम्मिल हक साहब भी हैं, उनके लड़के हैं मतीन साहब के जो लड़के हैं मतीउर रहमान साहब, उनका भी सोच है कि आगे बढ़े, उनके और लड़के हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उनके भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, और उनके साथ साथ मैं देख रहा हूँ इस वक्त हमारे यहाँ के मुखिया लोग, जो हमारे यहाँ के परजंट मुखिया है, केउसा पंचायत के मुखिया जी भी हैं, गाछपड़ा पंचायत के मुखिया जी हैं, बिलवा पंचायत के मुखिया जी भी हैं, मैं भी मोतिहारा तालुका पंचायत के मुखिया हूँ, और यहाँ से मेंबर लोग भी हैं, हमारे मौलवी शौकत साहब जो हमारे मोतिहारा तालुका से हैं, उनके साथ मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब के साथ इतने अच्छे मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मेहनत का फल है, जो एक वीरान जगह पर जो बहरा कोल्हा ये कुआई मारी टेंगर मारी बोला जाता है, यहाँ बालू ही बालू है, यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ तालीम हासिल करना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब ने अब्दुल मतीन सल्फी साहब के साहेबजादू ने और अब्दुल मतीन साहब के रिश्तेदारों ने और इस इलाके के बुद्धिजीवियों ने एक इदारा खोलने का सोचा, और वो इदारा आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब से मुझे बात हुई है कि यही नहीं, अगर आप लोग साथ दिए ऊपर वाला का मेहरबानी से, मैं सोचता हूँ इस इलाके में सिर्फ ये लड़कियों का मदरसा नहीं, मैं यहाँ बीएड और डीएड कॉलेज भी खोलने जा रहा हूँ, और कंप्यूटर वगैरह का भी पढ़ाई यही होगी। मैं समझता हूँ मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब का, अब्दुल मतीन सल्फी मरहूम साहब का जो ख्वाब था इस इलाके को शिक्षित इलाका बनाना, वो कामयाब होने जा रहा है। बस इन्हीं सब से अपनी बात।